तो आज की आज पास्टर मनोज मेरे लिए अनुवाद करेंगे। हम लोग एक्सोडस चैप्टर 12 एक से 14 तक पढ़ेंगे। पास्टर मनोज आप पढ़ेंगे। यस 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 एक्सोडस चैप्टर 12:1-14 ना। निर्गमन का 12वां अध्याय 1-14 तक। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली की इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। तब वे उसके लोहू में से कुछ लेकर दिन भरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसी रात आग में भून कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसको सिर पैर और पत्तियों समेत आग में भून कर कच्चा व जल में कुछ भी पका कर न खाना, और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलोटों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होंगे, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। मनोज कैन यू प्रे? यस यस धन्यवाद देते हैं खूबसूरत समय के लिए, इस वचन के लिए, तेरा खूबसूरत इस वचन के द्वारा तो हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें करना परमेश्वर, और प्रत्येक व्यक्ति जो इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़े हैं बेटा परमेश्वर, भी खुद आशीषित करना, पास्टर किशोर को अभिषेक कर, उनके मुख को छू पवित्र कर, उनसे तेरे वचन हम सुन सके ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। ओके टुडे वी विल स्पीक अबाउट द ब्लड। हम लहू के विषय में बात करने वाले। ओके टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज पूरी दुनिया में, ओके दिस होल वीक इज सेलिब्रेटेड एज अ पासओवर वीक, और पूरे विश्व में ये एक मानो फसह के पर्व की तरह मनाया जाता है। ओके दिस इज वन ऑफ द 7 फेस्टिवल्स दैट द ज्यूइश पीपल यूज्ड टू सेलिब्रेट वो सेलिब्रेट, और ये एक 7 पर्वों में से एक पर्व था जो जिसे यहूदी लोग मनाते थे। एंड दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर एवरी ज्यू, और ये हर एक यहूदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। दिस पासओवर इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे ऑफ निसान, और ये निसान महीने के 10वें दिन को ये पर्व मनाया जाता है। दिस इज अ ज्यूइश कैलेंडर निसान,
और ये यहूदी कैलेंडर के हिसाब से निशान महीना है उनके. टुडे इन आवर मैसेज, आज हमारे संदेश में, वी विल सी 5 पिक्चर्स ऑफ जीसस इन द पासओवर लैम, और 5 चित्र देखेंगे यीशु मसीह के एक पसे के मेमने के अंदर. लाइक व्हाई जीसस इज द परफेक्ट लैम, क्यों यीशु मसीह एक बार सिद्ध मेमना है. एंड व्हाई हिज ब्लड विल टेक अवे ऑल आवर सिंस, और क्यों वो हमारे सारे पापों को हमसे दूर कर सकता है. द जूस सेलिब्रेटेड द पासओवर इवन एज दे सेलिब्रेट एवरी ईयर, और वो हर साल जैसे यहूदी लोग इस पर्व को मनाते थे. दे वुड किल मिलियंस ऑफ एनिमल्स फॉर दिस फेस्टिवल, और बहुत सारे लाखों हजारों करोड़ों जानवरों को वो मार दिया करते थे. बट दोज वुड नेवर टेक अवे द सिंस, द ब्लड ऑफ एनिमल्स वुड नेवर टेक अवे द सिंस, तो वो जानवर जो उनके पापों को कभी भी अलग नहीं करता था उनसे. ओके, इट वुड ऑलरेडी कवर द सिंस, वो सिर्फ उनके पापों को ढाप देता था. बट जीसस ब्लड टेकन अवे आवर सिंस फॉरएवर, और बोलता है कि यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया. टेकन केयर ऑफ आवर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और वो बोलता है कि उसने हमारे भूतकाल के वर्तमान काल के और भविष्य काल के पापों को. सो वी विल सी थ्रू द पासओवर लैम व्हाई जीसस इज क्वालिफाइड एज अ परफेक्ट लैम, और इस फसे के पर्व के हफ्ते में हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो फसे का सिद्ध मेमना है. नंबर 1, द जूस वुड फर्स्ट सेलेक्ट द परफेक्ट लैम. पहली बात जो यहूदी करते थे कि वो सबसे पहले एक सिद्ध मेमने को चुनते थे. ऑन द 10th डे ऑफ निसान, और निसान महीने के 10वें दिन को. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर नॉट जस्ट एनी लैम, और वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो कोई भी ऐसा मेमना उठा नहीं लेते थे. बट अ लैम विदाउट ब्लेमिश एंड अ मेल 1 year old, और वो बोलते हैं कि एक साल का वो मेमना होना चाहिए था. एंड इज ऑल्सो विदाउट ब्लेमिश, नो 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 सिन और नो आउटवर्ड डिफेक्ट्स, और बोलते हैं कि उसके अंदर कोई भी दोष नहीं होना चाहिए था उसके बाहरी रूप में, और चाहे वो पवित्रता का मामला. इन लेविटिकस चैप्टर 22 द स्टैंडर्ड्स हाउ द लैम शुड बी देयर इज गिवन, और लेवव्यवस्था के 22वें अध्याय में कैसा मेमना होना चाहिए वो वहाँ पर उसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण है. इट इज टोल्ड दैट द लैम कैनॉट बी ब्लाइंड और क्रूकेड, और बोलते वहाँ बताया गया है कि वो मेमना अंधा या लंगड़ा नहीं होना चाहिए था. इट हॉर्न कैनॉट बी ब्रोकन, और उसका सींग भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए. इट कैनॉट हैव एनी बॉयल्स और स्कार्स, और उसके कोई भी फोड़ा या कोई भी ऐसा चोट का निशान नहीं होना चाहिए. व्हाई गॉड पुट द स्टैंडर्ड, क्यों परमेश्वर ने ये स्तर ठहराया है. बिकॉज दिस रिसेम्ब्लेंस जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है. बिकॉज द आउटवर्ड परफेक्शन ऑफ द लैम, क्योंकि बाहरी रूप का जो सिद्धता है उस मेमने की, वॉज इन अ पिक्चर ऑफ द इनवर्ड परफेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, और वो यीशु मसीह के अंतर्दृष्ट रूप को दर्शाता है. लाइक पॉल रोट इन 2 Corinthians 5:21 दैट जीसस न्यू नो सिन, और पॉलुस लिखता है 2 Corinthians 5:21 ओके, 2 Corinthians 5:21 में इन न्यू नो सिन, जो पाप को जानता भी नहीं था. Hebrews 4:15 says he was yet without sin. और इब्रानियों का 4:14 बोलता है कि वो बोलता है कि उसके अंदर कोई पाप था ही नहीं. When Christ was conceived in the mother's Mary's womb, the angel said, "This is the Holy One." और जैसे ही मरियम की कोख में यीशु मसीह आया और वहाँ दूत ने कहा कि वो पवित्र होगा, पवित्र जन होगा. So this is very interesting. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. And the lamb, after selection of the lamb on the 10th day, they would allow the lamb to be tested for next 3 days. और बोलते हैं कि जब मेमना चुन लिया जाता था तो उसको फिर 3 दिन तक उसको चेक किया जाता था, टेस्ट किया जाता था. So that there would be no boils or scars or anything that is appearing to the lamb.
और बोलते हैं कि उसके अंदर कोई भी चोट का निशान ना हो या उसका कोई फोड़ा ना हो उसके अंदर. In fact, Jesus was tested for 30 years by his family. और यीशु मसीह 30 साल तक वो परखा गया. 30 साल अपने फैमिली से. 30 साल अपने परिवार से परखा गया. And 3 years by his friends and enemies. और 3 साल तक अपने दुश्मनों से और अपने दोस्तों से परखा गया. And then Pilate said, I don't find fault in Jesus. Pilate said, I find no fault in Jesus. Pilate उसने कहा कि मैं यीशु मसीह में कोई भी त्रुटि नहीं पाता हूँ, कोई दोष नहीं पाता हूँ. Judas said, I have betrayed the innocent blood. और यहूदा इस्करियोति ने कहा कि मैंने निर्दोष का विरोध में पाप किए हैं. Even the demons said that we know who you are, the Holy One of God. और यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी कहती थी कि हम जानते हैं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन. So Christ had a level of holiness that could not be seen by any human eye. But Christ lived a holy life. यीशु मसीह में वो पवित्रता दिखाई देती है जो कि आज तक किसी भी मनुष्य ने दिखाई नहीं दी है. वो सो एज अ सन ऑफ गॉड इज अ परफेक्ट राइचियस मैन, राइचियस गॉड एंड ट्रू टू बी अ परफेक्ट लैम्ब. एक मनुष्य का पुत्र होने के बाद भी यीशु मसीह एक सिद्ध मनुष्य था और परमेश्वर का सिद्ध मेमना था. तो सेकंड पॉइंट दैट वी विल सी दूसरा पॉइंट हम लोग जो देखते हैं. ओके, दे किल द लैम इन एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 6. और निर्गमन के 12वें अध्याय की 6वीं पंक्ति में हम देखते हैं कि वो मेमने को मारते हैं. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. ओके, दे विल स्लिट द नेक ऑफ द लैम एंड गैदर द ब्लड इन द बेसिन. सॉरी, यहाँ पर डिस्टर्बेंस है. यहाँ पर किसी ने अपना फोन चालू रखा है. प्लीज वो बीच में डिस्टर्ब ना करे, बोले ना फोन पे. तो आप अपना फोन पे बातें ना करें, संदेश को सुने, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है. तो प्लीज अपना फोन म्यूट पे डाल दें. ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद. यस पास्टर, कैन यू से अगेन. ओके, दे वुड स्लिट द neck of the lamb and collect the blood in the basin. और बोलते हैं कि वो अपने उसके मेमने की गर्दन को काटते थे और उसका जो रक्त होता था उसको एक कटोरे में लेते थे. Interesting is the lamb and Jesus Christ died according to the plan, not accidentally. और यीशु मसीह जो है मानो एक योजना के तहत वहाँ पर क्रूस पर बलिदान हुआ, एक दुर्घटना या घटना के दौर पे नहीं. Like the lamb was sacrificed not by accident but by the will of the family to kill the lamb and apply the blood. और यहाँ पर जो मेमना था वो ऐसे ही नहीं मर जाता था दुर्घटनावश, परंतु एक परिवार की योजना के हिसाब से और परिवार की इच्छा के अनुसार वो मेमना घात किया जाता था. So that's amazing. Like Jesus didn't die accident. It was a perfect plan of God. और यीशु मसीह दुर्घटनावश वहाँ क्रूस पे नहीं मर गया, वो परमेश्वर की एक सिद्ध योजना थी. ओके, ऑल्सो द लैम वॉज स्लेन बिटवीन 3 PM टू 6 PM इन द इवनिंग. और बोलते हैं कि मेमना जो था 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में वहाँ मारा गया. ओके, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इन जॉन चैप्टर 18 वर्स 28. और बोलते हैं कि यूहन्ना के 18:28. Like Jesus died on the day of the Passover lamb, exactly the same evening from 3 to 6 PM. समय पे मेमना घात किया जाता था, सेम उसी समय पे यीशु मसीह क्रूस पे घात किया गया. Okay, that's amazing, very interesting. Everything was planned. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अद्भुत है कि हर एक चीज एक नोबडी कैन प्लान द इवेंट्स ऑफ माय डे. और कोई भी मेरे जीवन की घटनाओं को योजना नहीं बना सकता. लाइक यू एंड मी नेवर प्लान देयर विल बी अ लॉकडाउन ऑफ कोरोना वायरस. और हम और आप देखो कोरोना वायरस में जैसे लॉकडाउन हो गए हैं अभी.
You know, we never thought about it. हमने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था. We can't plan the events of this earth. और हमने कभी इसके बारे में योजना भी नहीं बनाई थी कैसा होगा और हम उसके बारे में. But it is only God who knows the future, planned everything according to His coming and dying. और बोलते हैं कि ये परमेश्वर जानता है भविष्य को और उसी के आने और जाने में और उसके मृत्यु में उसका योजना थी. Okay, third similarity also we see, when they would kill the lamb, they would roast the lamb as it is without breaking the bones of the lamb. और यहाँ पर देखते हैं कि वो बिना हड्डियाँ तोड़े उस मेमने को पकाते थे और बोलते हैं कि मेमने को मारने के बाद उसे बगैर हड्डियाँ तोड़े. Okay, Christ was also sacrificed, and the soldiers, when the soldiers came back in John chapter 19, they, he is already gave up his spirit and they don't have to break his legs. तो वहाँ पर देखते हैं कि जब सैनिक वापस आते हैं और वो देखते हैं कि यीशु मसीह ने योहन्ना के 19वें अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह की टांगे हड्डियाँ तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यीशु मसीह ने अपने प्राण को पहले ही दे दिया था. Also prophecy fulfilled. And thirdly, they were also sprinkle the blood on the doorpost on the three sides of the door. और वहाँ पर जैसे कि वो रक्त को on the doorpost on the three sides, they would apply the blood on the doorpost on all the three sides. Hello. Hello. Yes, I can hear you, Pastor Manoj. Hello. 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 Sir, I'm calling. Hello. Hello. Hello? Hello? Hi. Can you hear me? Hello? Okay. Hello? Hello? Yes, sir. Oh, disconnect to get the call. Okay, okay. Hello? Sorry, sorry. So, should I connect again? Yeah, yeah. No problem. All is connected. Okay, okay. So thirdly, they sprinkle the blood on the doorpost. ये वो क्या करते थे दरवाजे पे ये परमेश्वर मेमने का लहू लगाते थे. And they would place it on the three sides. It's a picture of the cross. और वो तीन दरवाजे के तीन हिस्सों पे रक्त को लगाते थे ब्लड को लगाते थे और ये यीशु मसीह के क्रूस का चिन्ह है. And that's very interesting when the death angel passed through that night. और बोलते हैं कि वहाँ से जो मृत्यु है वहाँ से वो गुजरने वाले के साथ अप्लाइड द ब्लड ऑन द डोरपोस्ट. ओके, दे आर सेव्ड, द फर्स्ट बॉर्न इज सेव्ड. और जो भी अपने दरवाजों पे वो रक्त लगाया है वो क्या होंगे, बच जाएंगे. पहले जन्माए हुए हैं. द क्लोज डोर विल नॉट सेव देम बट द ब्लड विल सेव देम. और बोलते हैं कि वहाँ दरवाजा बंद करने से उनकी जान नहीं बचेगी लेकिन वो रक्त की वजह से उनकी जान बचेगी. Like God was saying, like when I see the blood, I could know that you are Israelite and you believed on what Moses has told about applying the blood. और बोलते हैं इस परमेश्वर ने कहा कि मैं जब उस रक्त को देखूंगा तुम्हारे दरवाजे पे तो मैं पहचान जाऊंगा कि मूसा से जो आज्ञा मैंने दी थी उसको तुमने मान लिया है और तुमने उसका पालन किया है और मैं वहाँ से It is also amazing today we get to heaven because of the blood, what Christ has done. When we apply by faith the blood of Jesus upon our lives, we are saved. Okay. यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे लिए अद्भुत है कि जैसे ही हम यीशु मसीह के रक्त पे विश्वास करते हैं हम यीशु मसीह के लहू की वजह से स्वर्ग में जा रहे हैं, हम उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं जब. Okay, then we receive the gospel and we go to heaven because of that. We are saved from death and we are taken to heaven. और जैसे ही हम सुसमाचार को सुनते हैं और अपने जीवन में ग्रहण करते हैं हम उद्धार पा लेते हैं, हम स्वर्ग जा रहे हैं
और बोलते हैं कि हमारी मृत्यु से हम बच जाते हैं. ओके, फोर्थली आल्सो दे फीस्टेड ऑन द लैम, दे एंजॉयड द फीस्ट ऑफ द लैम. और बोलते हैं कि वहाँ पर वो लोग मेमने का जो भोजन खाते थे उसको निष्पर्व में खाते थे. इजिप्शियन सन्स वर डाइंग बट द इजराइलाइट्स वर डाइनिंग. और बोलते हैं कि मिस्र के जो थे पहले थे मर रहे थे, लेकिन इजराइल के जो लोग थे वो लोग मानो आनंद उठा रहे थे. ओके, इजिप्ट इज प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूनरल एंड इजराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर द फीस्ट. और बोलते हैं कि मिस्र के लोग जो है वो दफन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इजरायली लोग जो थे वो परमेश्वर के पर्व की तैयारी कर रहे थे. इजिप्ट इज एक्सपीरियंसिंग जजमेंट, इजराइल इज एक्सपीरियंसिंग जॉय. यहाँ परमेश्वर के लोग जो थे वो न्याय का अनुभव कर रहे थे, और परमेश्वर के लोग इजरायली लोग वहाँ पर परमेश्वर के आनंद का अनुभव कर रहे थे. Remember the same lamb, the blood of this lamb saved them, and also they're going to feast on the same lamb. वो बोलते हैं कि उसी मेमने ने उनकी जान बचाई है, उसी से वो बचे हैं, और उसी का वो लोग क्या कर रहे हैं, पर्व मना रहे हैं. That's also the picture Jesus said, he was the bread from heaven and the bread he gave us to eat was his flesh in John chapter 6. ने कहा वो जो रोटी जो स्वर्ग से आती है वो मैं हूँ, यानी कि स्वर्ग की रोटी मैं हूँ. Like Jesus not only for our salvation, also for our satisfaction. और यहाँ पर बोलते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ हमारा उद्धार ही नहीं है, परंतु यीशु मसीह हमारी संतुष्टि भी है. And finally, also the final part, okay, last 5 minutes. Okay, they walked in the liberty of the lamb. After they ate the lamb, they walked in the liberty. और बोलते हैं कि वो मेमने को खाने के बाद में बोलते हैं कि वो आजादी में चले, मतलब फ्रीडम में चले. Okay, the 2 million people left that night. और बोलते हैं कि उसी रात को 20 लाख लोग वहाँ से मिस्र से निकाले गए. And that's also true to all of us, isn't it? और ये सब कुछ हमारे लिए भी कितना असली है. Okay, many like the Israelites never expected this would happen one night. और इजरायली लोग ये सोच रहे थे कि एक दिन एक रात में ये होगा. Okay, maybe they packed only some bread for them on the way. और वो बोल सोचे थे कि कुछ ही उन्होंने खाना अपने रास्ते के लिए लिया. They carried only few clothes and some water. और उन्होंने सिर्फ थोड़ा ही पानी लिया था और कुछ थोड़े से कपड़े लिए थे. They had no map. और उनके पास कोई नक्शा नहीं था वो कैसे जाएंगे. They didn't know that God has prepared a cloud for the day and a pillar of fire for the night. और उनको ये भी नहीं पता था कि कैसे परमेश्वर दिन में उनका बादल के खंभे में और रात में उनके आग के खंभे में उनकी अगुवाई करेगा. They couldn't see the blessing that awaited them. और वो उन आशीषों को नहीं देख पा रहा जो कि उनके लिए रखी हुई थी, उनका इंतजार कर रहा. Neither they know the trials that are going to face them. और उनको उनका सामना भी नहीं किया करने वाले थे वो. No, they also do not know the trials that are going to come in their lives. और वो ये भी नहीं जानते थे कि क्या क्या परीक्षाएं उनके जीवन में आने वाली है. But that's an amazing application for our lives. और ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत एक एप्लीकेशन है, मतलब हमारे जीवन में लागू करने के लिए. We got saved. हम उद्धार पा चुके हैं. I remember 18, 19 years when I got saved. 18-19 साल पहले जब मैं उद्धार पाया. I came to Mumbai to find a job. मैं मुंबई में आया अपने नौकरी ढूंढने के लिए. And then that day I heard the message. और उस दिन मैंने संदेश सुना. And I went forward to grow knowledge of Jesus Christ. और मैं मानो परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ने लगा. Okay, I never knew where God was taking me. और मैं कभी नहीं जानता था कि परमेश्वर मुझे कहाँ ले जाना चाहता है. I didn't have road map. और मेरे पास कोई नक्शा नहीं था कि मैं कौन सा ब्लेसिंग्स दैट आर गोइंग टू कम अपॉन माय लाइफ. और मैं उन आशीषों को भी नहीं जानता जो मेरे ऊपर आने वाली है. आई डिडंट नो व्हाट आर द ट्रायल्स आई एम गोइंग टू फेस थ्रू. और मैं ये भी नहीं जानने वाला था कि किन किन परीक्षाओं का मैं सामना करूंगा. लाइक द इजराइलाइट्स वॉक बाय फेथ.
और मैं विश्वास के साथ चला जैसे इसराइली लोग विश्वास से चले. And that's the story of all of us. That's the story of Pastor Manoj. That's the story of everybody. Jignesh and everybody. हर एक की ये कहानी है. हर एक ने ये किया है. Okay, we don't have to know where we are going. हमें ये जानने की जरूरत है कि हम कहाँ जाने वाले हैं. But we know one thing, that God is leading the way. पर हमें एक चीज जानते हैं कि परमेश्वर हमारे रास्ते में हमारी अगुवाई कर रहा है. And he is leading our events of life. हमारे जीवन की हर एक घटना को वो अगुवाई कर रहा है. Okay, it only makes sense to trust God, for whom tomorrow is not a surprise. और बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा होगा कि हम परमेश्वर पे विश्वास करें, विश्वास से चलें, और हमें कल जो आने वाला कल है वो कभी भी हमको अचंभित नहीं करेगा. Like today, coronavirus is a surprise to all the nations. और ये देखो कोरोना वायरस जैसे कि हर एक किसी को उन्होंने अचंभित कर दिया इस कोरोना वायरस. God is not surprised. तो परमेश्वर इससे अचंभित नहीं है. Because he knows the beginning and the end. क्योंकि वो परमेश्वर अनंत से आदि और अंत जानता है. And when we trust him, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, what happens in our lives, और ये कुछ मायने नहीं रखता कि हमारे जीवन में क्या होता है. But we know that God is not surprised with my life. और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से आश्चर्यचकित नहीं होता. God called us to walk like pilgrims. और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक यात्री की तरह इस दुनिया में अपना जीवन जिए. नॉट टूरिस्ट. और एक टूरिस्ट की तरह नहीं. But a pilgrim who is seeking for the city that is above. और वो एक यात्री की तरह है जो कि अपने आगे के शहर की ओर देखता है. Okay, pilgrim has one focus, is his destination. और एक यात्री के जीवन में एक अपने एक एक ध्यान होता है शहर के लिए. Okay, that's amazing. And finally, one more application. Jesus, when God told, after they came out of the Passover, after they crossed the Egypt and came. और एक चीज और भी यहाँ पर हम जो अपने जीवन में लागू कर सकते हैं कि जैसे ही वो लोग मिस्र देश से बाहर आए पासओवर के फसे के बाद. Exodus chapter 13, God said to the nation of Israel. और निर्गमन के 13वें अध्याय में परमेश्वर ने इज़राइल के राष्ट्र से कहा. Okay, I have saved all your firstborns. बोलते हैं कि मैंने तुम्हें सारे पहलौठों को बचाया है तुम्हारे सारे पहलौठों. I want to sanctify all the firstborns for me. और तो परमेश्वर वहाँ पर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे पहलौठों को मेरे लिए पवित्र करके रखो. Bible says in Romans 8:15 that we are his firstborn. और बाइबल हमें बताती है कि हम उसके पहलौठे हैं. In Romans chapter 8:15. और रोमियो का 8:15. And that's amazing. And God wants our lives to be sanctified, set apart for him. और परमेश्वर हमारे जीवन को चाहता है कि हम उसके लिए अपने जीवन को अलग करके रखें और पवित्र करके रखें. And that's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Now, how do we, and finally, I was thinking about the blood. और अंत में मैं इस विषय में सोच रहा था रक्त के लहू के विषय में. We escape the judgment of God only through the perfect blood of the Son. और हम परमेश्वर के न्याय को से अलग हो सके इसीलिए सिर्फ यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा जो थैंक गॉड फॉर द ब्लड. और हम धन्यवादित हैं परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के लिए. एंड हिब्रूज चैप्टर 10 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्स 19. और इब्रानियों का 10:19 बहुत ही 10:19. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus Christ. और बोलता है कि वहाँ की परमेश्वर के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के सिंहासन के समय सम्मुख ही आपके साथ जा सकते हैं. Okay, today we have boldness. We don't have to fear. हम ही आपके साथ जा सकते हैं. हमारे पास डर नहीं है आज. हमारे पास ही आप है. Because of the blood. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के लहू की वजह से. That's why his blood is precious. और इसीलिए लहू बहुत ही मूल्यवान है हमारे लिए. That's paid on this Good Friday for us. और ये जैसे कि गुड फ्राइडे में हमारे लिए काम किया गया. Amen. 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 Amen.